पिक्चर्स पर, जो कि आप लोग की रिक्वेस्ट है। तो गाइस इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शादी एक ऐसा मौका है जिसे लोग बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड में भी कई ऐसी शादियां हुई हैं जिन्होंने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की फुल वेडिंग डिटेल्स, गेस्ट लिस्ट और हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल वेडिंग वेन्यू। दोस्तों कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की चर्चाएं काफी दिनों से हो रही थी और अब फाइनली ये दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इन्होंने अपनी शादी का फंक्शन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। इनका वेडिंग कार्ड भी बहुत ही एक्सपेंसिव था। दोस्तों आप कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी का कार्ड अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने अपने शादी के कार्ड पर गोल्ड लगवाया था और साथ में गेस्ट के लिए चॉकलेट भी रखे थे। दोस्तों इनके एक कार्ड की प्राइस थी 50,000 रुपए। दोस्तों जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते हैं, वहीं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपनी शादी देश में ही मनाना जरूरी समझा। इनकी शादी का फंक्शन राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट में रखा गया था। इन्होंने अपनी शादी के दिन का थीम रेड रखा था, इसलिए हाल में हर चीज रेड कलर की रखी हुई है। पूरा सिक्स सेंस फोर्ट रेड कलर के फ्लावर और लाइट से सजाया गया था। अगर बात करें सिक्स सेंस फोर्ट की पेमेंट के बारे में, तो इन्होंने अपने वेडिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए इस फोर्ट को 50 करोड़ रुपए की भारी रकम दी थी। गेस्ट लिस्ट, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी पे आए हुए गेस्ट लिस्ट के बारे में। दोस्तों इन दोनों की शादी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे शामिल हुए, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज के नाम हैं सलमान खान, अक्षय कुमार, फराह खान, कबीर खान, नेहा धूपिया, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, रवीना टंडन, के अलावा और कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज ने कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को शादी की बधाई के साथ बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए हैं। वेडिंग ड्रेसेस, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी वेडिंग ड्रेसेस के बारे में, जिन पर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने पानी की तरह पैसा बहाया है। कैटरीना और विक्की ने अपनी शादी के ड्रेसेस राजस्थानी स्टाइल में डिजाइन करवाए थे। इनका वेडिंग का ड्रेस बहुत ही खूबसूरत रेड कलर में था, जिसे फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया था। और कैटरीना कैफ के वेडिंग सेरेमनी ड्रेस की प्राइस है 60 लाख रुपीस। वहीं अगर बात करें विक्की कौशल की ड्रेस के बारे में, तो इन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था जिस पर गोल्डन कलर का काम किया हुआ था, और इनका वेडिंग ड्रेस भी सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया था। और दोस्तों विक्की कौशल के वेडिंग ड्रेस की प्राइस थी 45 लाख रुपीस। और दोस्तों विक्की कौशल ने जो पगड़ी पहनी थी उस पर गोल्ड का ब्रोच लगा हुआ था, जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा था, और इनके ब्रोच की प्राइस थी 5 लाख रुपए। वेडिंग ज्वेलरी, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैटरीना कैफ की वेडिंग सेरेमनी ज्वेलरी के बारे में। कैटरीना कैफ ने शादी के दिन जो ज्वेलरी पहनी वो इन्होंने डिजाइनर अर्चना अग्रवाल से डिजाइन करवाई थी। कैटरीना कैफ के नेकलेस पर कुंदर का काम किया हुआ था और इनके नेकलेस की प्राइस है 40 लाख रुपए। और दोस्तों विक्की कौशल ने जो माला पहनी हुई है उसकी प्राइस है 15 लाख रुपए। कैटरीना कैफ मंगलसूत्र, दोस्तों अगर बात करें कैटरीना कैफ के मंगलसूत्र की, तो विक्की कौशल ने शादी के दिन कैटरीना कैफ को डायमंड का मंगलसूत्र पहनाया है, जिसकी प्राइस है 60 लाख रुपीज। ग्रैंड रिसेप्शन, दोस्तों कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की ग्रैंड वेडिंग के बाद अब होगी इनकी ग्रैंड रिसेप्शन। जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत कपल ने मुंबई में एक शानदार बहुत बड़ी रिसेप्शन रखी है। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इनकी वेडिंग के लिए राजस्थान नहीं जा सके, वो मुंबई में इनकी रिसेप्शन अटेंड करेंगे, हनीमून डेस्टिनेशन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों हनीमून के लिए मालदीव्स जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ज्यादातर कपल अपना हनीमून मनाने जाते हैं, वहीं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपनी हनीमून डेस्टिनेशन के लिए मालदीव को ही सिलेक्ट किया है, और वो एक मंथ के लिए अपना हनीमून मनाएंगे। दोस्तों इन्होंने अपने हनीमून के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एज गैप, दोस्तों अब बात करते हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के एज गैप के बारे में। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैटरीना कैफ विक्की कौशल से 5 साल बड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कैटरीना कैफ 38 ईयर्स की हैं, तो वहीं विक्की कौशल 33 ईयर्स की हैं। दोस्तों ये थी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की वेडिंग डिटेल्स। दोस्तों आपको इनकी वेडिंग डिटेल्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, पिक्चर भी इतनी प्यारी प्यारी थी इनकी, और गेस्ट भी देखो सारे गेस्ट आए थे। कोई पहुंच गया, हाँ शाहरुख खान, सलमान खान, रवीना टंडन, अक्षय, सारे ही गेस्ट आए थे। और जगह भी कितनी प्यारी प्यारी थी, और जो उन्होंने बिल्कुल हर चीज रेड से सजाई हुई थी, कितना प्यारा लग रहा था।
बाकायदा इतना खूबसूरत लग रहा था, रोज भी थे हर तरफ और हर कुछ रेड रेडी था। हम तो इनके फैन ही है वैसे। और उन्होंने शादी भी ट्रेडिशनल तरीके से की, हर कोई वैसे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करता है, खासतौर पर बड़े बड़े स्टार तो नहीं करते, उन्होंने बिल्कुल सादे तरीके से शादी की। इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ, हर कुछ इतना प्यारा लग रहा था। उन्होंने जो जो भी जगहें दिखाई सारी बहुत ही प्यारी लग रही थी, खुद भी इतने प्यारे लग रहे थे। कैटरीना बहुत प्यारी लग रही थी और विकी कौशल भी अच्छे लग रहे थे, साथ में ये दोनों बहुत अच्छे भी लगते हैं। वैसे उन्होंने एज डिफरेंस भी बताया था, इतना खास तो नहीं है एज डिफरेंस, अगर है भी तो भी पता नहीं चल रहा है, इन्होंने बताया तभी हमें पता चला है, वैसे इनका पता नहीं चलता। दोनों ही बहुत ही यंग लग रहे थे, कैटरीना कैफ जितनी एज है उतनी लगती नहीं है वैसे, और एक्टिंग भी इतनी जबरदस्त करते हैं दोनों। वो तो पता है सबको, एक्टिंग तो वैसे भी बहुत ही अच्छी करते हैं, लेकिन कैटरीना कैफ ने अचानक से शादी कर दी, उससे देखकर तो सभी हैरान हो गए कि अचानक से उन्होंने शादी की, लेकिन साथ में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये दोनों, इनके लिए जो भी बोले कम है। बहुत प्यार लग रहे थे साथ, और सिस्टम भी इतना प्यारा था, सब कुछ जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो गाइस हमें तो इन दोनों की वीडियोस बहुत प्यारी लगी, और उन्होंने तो हर चीज के बारे में बताया था, नेकलेस, मंगलसूत्र, और जो इनके पगड़ी पे गोल्ड लगा हुआ था उसके बारे में भी बताया हुआ था, हर चीज बताया था। पता नहीं इसको हर चीज कैसे पता चली, वो तो हम भी हैरान है, ऐसा लग रहा था डिजाइनर वगैरह किसी से पूछ के तो नहीं है, इसको तो सब कुछ पता था, कपड़ों के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, हनीमून के बारे में, के बारे में सब कुछ इसको बता था। लेकिन वीडियो बहुत अच्छी थी, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी। और दूसरा जो रोज से पूरा सजा था हॉल और हर चीज रेड रेड लग रही थी, वो भी सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और गेस्ट भी सारे गेस्ट आए थे, तकरीबन हर कोई आया था। तो गाइस हमें तो इन दोनों की वीडियोस बहुत प्यारी लगी, और साथ में इनकी पिक्स भी बहुत अच्छी लग रही थी, और दोनों की जोड़ी भी बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट हाइट है, और दोनों साथ में बहुत जचेंगे। आप बताना आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर